एक अच्छा माहौल बना लें। इसलिए कि मैं एक मेहमान शायर से गुजारिश करूंगा जो आजमगढ़ की सरजमीन से हाजिर हुआ है, वो नाम है जनाब जावेद रहबर का। मैं उनसे इल्तमास करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। माइक पर जनाब जावेद रहबर। बैठे तमाम शोधा कराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, एक मतला और एक शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा। मतला देखिए, मुलाजा फरमाएं कि उसकी यादों की निशानी के सिवा कुछ भी नहीं, उसकी यादों की निशानी के सिवा कुछ भी नहीं, एक तस्वीर पुरानी के सिवा कुछ भी नहीं, उसकी यादों की निशानी के सिवा कुछ भी नहीं, एक तस्वीर पुरानी के सिवा कुछ भी नहीं। मौत ने आंख मिलाकर ये कहा है मुझसे, मौत ने आंख मिलाकर ये कहा है मुझसे, जिंदगी ये कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। जिंदगी एक कहानी के सिवा कुछ भी नहीं। हज़रत थोड़ा सा माहौल बना दे ताकि मुझे भी कुछ आपकी दुआएं मिल जाए। मैं एक कथा आपके खिदमत में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए कि लिल्लाह आप मुझको गवारा न कीजिए। सुनिए मोहतरम, लिल्लाह आप मुझको गवारा न कीजिए, ले लेके मेरा नाम पुकारा न कीजिए, ले लेके मेरा नाम पुकारा न कीजिए, कि पहले किसी ने जिंदगी मेरी खरीद ली, मेरी खरीद ली, पहले किसी ने जिंदगी मेरी खरीद ली, तस्वीर मेरी दिल में उतारा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, मेरी दिल में तस्वीर। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे भाई जावेद रहबर साहब, वाह 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 वाह, बहुत। लिल्लाह आप मुझको गवारा न कीजिए, ले लेके मेरा नाम पुकारा न कीजिए, कि पहले किसी ने जिंदगी मेरी खरीद ली, मेरी खरीद ली, पहले किसी ने जिंदगी मेरी खरीद ली, तस्वीर मेरी दिल में उतारा न कीजिए। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब कीजिए। एक चार और हाजिर करता, मुलाजा फरमाए कि तन्हा हूँ साथ मेरे कोई काफिला नहीं, तन्हा हूँ साथ मेरे कोई काफिला नहीं, कि मैदान जंग में भी कोई हमनवा नहीं, मैदान जंग में भी कोई हम नवा नहीं, के जालिम अभी तू जश्न का माहौल मत बना, माहौल मत बना, के जालिम अभी तू जश्न का माहौल मत बना, खंजर है सिर्फ टूटा मेरा हौसला नहीं। वाह 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 बहुत अच्छे भाई, मेरा हौसला नहीं। वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। सिर्फ टूटा मेरा हौसला नहीं। और एक बताओ, मुलाजा फरमाए। देखिए मतलब हाजिर करता हूँ। हाँ भाई कि गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं। गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं। खुशियों के अरमान निकलने वाले हैं। गम के सूरज शाम में ढलने वाले हैं। खुशियों के अरमान निकलने वाले हैं। जुल्म सितम की जंजीरों से मत घबरा, जुल्म सितम की जंजीरों से मत घबरा। अपने भी हालात बदलने वाले हैं, अपने भी हालात बदलने वाले हैं। गम के सूरज शाम में ढलने। भाई बहुत अच्छे, बहुत खूब। देखिए भाई, गुलपोशी पे गुलपोशी हो रही है। इश्तियाक गायर साहब आज के इस प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, सामने बैठे हुए हैं। इनको आप लोग गौर से देख लीजिए। मामला ये है कि अभी मैं चंद दिनों की बात आपको बता दूं कि एक मर्तबा ये मोटर बस का सफ़र कर रहे थे। इनकी बगल में एक खातून बैठी हुई थी और अपने एक छोटे से बच्चों को दूध पिलाना चाहती थी कि बेटा दूध पी लो, दूध पी लो। वो बच्चा कह रहा था कि मैं नहीं पीऊँगा। उसके बाद डांट के कहा कि अगर बेटा तुमको दूध पीना हो तो पी लो, वरना मैं बगल वाले आदमी को पिला दूंगी। कुछ देर के बाद इश्तियाक गायर साहब ने उस खातून से कहा कि मैडम जो भी फैसला करना हो जल्दी कीजिए, मुझे अगले स्टेशन पर उतरना है। एक जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल पैदा कर दिया और मुशायरे को आप पढ़ाइए आगे। भाई जावेद रहबर साहब पढ़े आप। गम के सूरज शाम ढलने वाले हैं। खुशियों के अरमान निकलने वाले हैं। जुल्म सितम की जंजीरों से मत घबरा, अपने भी हालात बदलने वाले हैं। अपने भी हालात बदलने वाले हैं। कथा और मुलाजा फरमा लें। अपने भी हालात बदलने वाले हैं। कि कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं। कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं। तूफानों से आँख मिलाने वाले हैं। कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं। तूफानों से आँख मिलाने वाले हैं। जान के दुश्मन होश में आ जाओ वरना, जान के दुश्मन होश में आ जाओ वरना। हम भी अब तलवार उठाने वाले हैं। हम भी अब तलवार। वाह 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 बहुत अच्छे। हमने अब तलवार उठाने वाले हैं। कि कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं। कश्ती दरिया पार लगाने वाले हैं। तूफानों से आँख मिलाने वाले हैं। तूफानों से आँख मिलाने वाले हैं। जान के दुश्मन होश में आ जाओ वरना, हम भी अब तलवार उठाने वाले हैं। एक गजल का मतलब और दो तीन शेर आपकी खिदमत में और हाजिर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। मतलब बतौर खास मुलाजा फरमाए। कि बाद सर सर से चमन की ताजगी खतरे में है, ताजगी खतरे में है। बाद सर सर से चमन की ताजगी खतरे में है, ताजगी खतरे में है। बाद सर सर से चमन की ताजगी खतरे में है। गुलसिताने आरज़ू की हर कली खतरे में है, कली खतरे में है। गुलसिताने आरज़ू की हर कली खतरे में है, हर कली खतरे में है। और ये पहला शेर बताओ देखा अंदाजा फरमाए। हाँ तो भाई हर कली खतरे में है। या खुदा तू भेज दे को ई ज़मीं पे रहबर, कोई ज़मीं पे रहबर। या खुदा तू भेज दे को ई ज़मीं पे रहबर, कोई ज़मीं पे रहबर। या खुदा तू भेज दे को ज़मीं पे रहबर। तेरे बंदे की जहां में बंदगी खतरे में। भाई बहुत अच्छे है। या खुदा तू भेज दे को ज़मीं पे रहबर। तेरे बंदे की जहां में बंदगी खतरे में है, बंदगी खतरे में है। और ये गजल का शेर लाजा फरमाया। तेरे बंदे की जहां में बंदगी खतरे में है, बंदगी खतरे में है। कि आप यूं ना मुस्कुराए दिल को मेरे तोड़ कर, दिल को मेरे तोड़ कर। आप यूं ना मुस्कुराए दिल को मेरे तोड़ कर, दिल को मेरे तोड़ कर। आप यूं ना मुस्कुराए दिल को मेरे तोड़ कर। आपकी हाँ आपकी काफिर अदा से हर खुशी खतरे में, हर खुशी खतरे में है। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए। बहुत अच्छे बहुत खूब। आपकी काफिर अदा से हर खुशी खतरे में है, हर खुशी खतरे में है। कैसा जादू चल गया है मगरिबी तहजीब का, मगरिबी तहजीब का। कैसा जादू चल गया है मगरिबी तहजीब का, मगरिबी तहजीब का। कैसा जादू चल गया है मगरिबी तहजीब का। मशरिकियाँ चल की अब पाकिज़गी खतरे में। वाह 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 बहुत खूब। रेहान हाशमी साहब से इल्तमास है कि वो बराए खतरे में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।